ओके स्टार्ट। नमस्ते, मेरा नाम गीता तोनवार है। मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने तथा पढ़ाने में विशेष रुचि है। आज मैं 12वीं कक्षा की हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र और छात्राओं से बात कर रही हूँ। यहाँ हम लोग पाठ्य पुस्तक के केवल गद्य भाग पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर रचित प्रसिद्ध निबंध अर्थनारीश्वर का रसास्वादन करेंगे। आइए पहले लेखक के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 में हुआ था। उनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 में हुआ। उनके माता पिता का नाम मनरूप देवी तथा रवि सिंह था तथा पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। उन्होंने 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक तथा 1932 में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। उन्होंने प्रधानाध्यापक, सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर के पद पर कार्य करने के बाद बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर तथा भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किया। 1925 में छात्र सहोदर में उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई। उसके बाद उनकी प्रमुख कृतियां प्रकाशित हुईं। 1929 से 1970 के बीच प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की कथा, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम आदि और गद्य कृतियाँ 1946 और 1973 के बीच अर्धनारीश्वर, संस्कृति के चार अध्याय, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि। दिनकर जी को संस्कृति के चार अध्याय के लिए साहित्य अकादमी एवं उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो राज्यसभा के सांसद भी रहे तथा पद्म भूषण अलंकरण प्राप्ति के बाद राष्ट्रकवि भी रहे। उनकी पद्य तथा गद्य रचनाओं में समान रूप से उनके व्यक्तित्व की प्रबल छवि दृष्टिगोचर होती है। गद्य कृतियों में भी कवित्व की ऊर्जा, वाणी कुशलता, पुरुषार्थ आदि विशेषताएं दिखाई देती हैं। उनकी भाषा में प्रकाशित सत्य अत्यंत प्रभावशाली है, जो पाठक गण को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ग्रहण करना पड़ता है। उनकी वीरतापूर्ण भारती में चुप्पी तथा चुप्पी की क्रियात्मक मनाही की शक्ति भी है। वे आधुनिक कवियों की श्रृंखला में जाने जाते हैं। यद्यपि उनकी पहली कविता 30 के शतक में प्रकाशित हुई, तथापि अपनी दया तथा भावगरिमा के कारण चौथे दशक के कवियों में लोकप्रिय हुए। उन्होंने प्रबंध विशेष निबंध, मुक्तक यानी स्वच्छंद छंदयुक्त स्वतंत्र रचना, गीत प्रगीत, काव्य नाटक आदि अनेक काव्य शैलियों में श्रेष्ठ कृतियां रची हैं। छायावाद के कवियों के पश्चात उनके प्रबंध काव्य विशेषतः उल्लेखनीय हैं। उनके भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य के व्यापक अध्ययन का प्रभाव उनके गद्य पर अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। महाकाव्य महाभारत तथा ऋषि व्यास की काव्य कुशलता ने दिनकर जी पर विशेष प्रभाव डाला। उनके साहित्य में इतिहास,
और संस्कृति के प्रति सजगता तथा सामाजिक, राजनैतिक और दार्शनिक ज्ञान का भास अभिव्यक्त है। दिनकर जी की गद्य रचनाएं वास्तव में अपने युग की मान्यताओं का सही प्रतिनिधित्व करती हैं। तत्कालीन काव्यधारा, भाषा, संस्कृति तथा समाज का यथार्थ चित्रण उनकी कवियों में दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने विभिन्न कथावस्तु, शैली विधा यानी कहानी, उपन्यास, संस्मरण, कविता, रेखाचित्र का प्रयोग किया है। उनका पाठकों को संबोधित करने का तरीका सीधा और मनोहारी है। देखिए इस प्रतिमा को, क्या पहचानते हैं? जरूर पहचानते हैं। आज हम लोग उनके लोकप्रिय निबंध अर्धनारीश्वर की चर्चा करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के काल्पनिक व्यक्तित्व अर्धनारीश्वर दिनकर जी के मनपसंद पूजनीय आदर्श हैं, जिनका वर्णन उनके साहित्य में अभिव्यक्त तथा अनभिव्यक्त रूप में प्रकट होता है। इसके फलस्वरूप उनके साहित्य में दया, अनुकंपा, भावज्ञान और कवित्व प्रतिभा आदि गुण दिखाई देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस काल्पनिक व्यक्तित्व का आधुनिक मानव सभ्यता तथा परंपरा से कोई संबंध है और कोई संदेश है? दिनकर जी इस निबंध में इस विषय पर चर्चा करते हैं। आइए उनकी जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में लेखक की मूलभूत पूर्ण आकृति की प्रभा का आनंद उठाते हैं। हम लोग इस प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। पहले मैं एक अनुच्छेद पढ़ूंगी, उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी, तत्पश्चात व्याख्या करूंगी। आइए शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति की दो आँखें, एक रसमयी और दूसरी विकराल। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी को पहुँची पर चूड़ियाँ और अंगुलियाँ अलग तक से लाल। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जरीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बाघम्बर से ढका हुआ। एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार। जटाजूट में लहर पुण्य की, शीतलता सुखकारी, बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी, किंतु इसकी सारी व्याप्तियाँ वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नर में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। आइए अब कठिन शब्द देखते हैं। कल्पित, अवास्तविक, रसमयी, मादक या लावण्यमयी, पहुंची, कलाई, विकराल, भयावह, अलत्तक, आलता, जो लाल आपने लाल रंग देखा होगा जो पैरों पे लगाते हैं उसको आलता, आवृत, ढका हुआ, बाघम्बर, बाघ की खाल का वस्त्र, गरल, विष, संजीवन, जीवन देने वाली, जटाजूट, जटा, लहर पुण्य, पावन गंगा की धार, शीतलता, सुखकारी यानी ठंडक और सुख देने वाली, दीपित,
चमकता हुआ त्रिपुंड, तीन आड़ी रेखाओं वाला तिलक जो आपने शिव जी के भाल पर देखा होगा, बलिहारी निछावर होना, डमरू छोटा वीणा वाद्य, वीणा बड़ा वाद्य, समन्वय तालमेल, व्याप्तियाँ विस्तार क्षेत्र, मर्यादा गरिमा, हीन कम, वृद्धि बढ़ोतरी। अब आप एक बार और ध्यान से इस चित्र को देखिए और उसके बाद उसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत निबंध में दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर जो शिव और पार्वती का अवास्तविक रूप है इसके विषय में अपने विचार पाठक गण के समक्ष रखे हैं। उनका मोहक वर्णन सुनिए। इस रूप में आधा अंग नर का और आधा अंग नारी का होता है। एक ही प्रतिमा में दो नयन, एक मादक और एक भयावह, दो बाहें जिनमें से एक मिश्रित त्रिशूल है और दूसरे की कलाई पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ तथा हाथ आलते से विभूषित है। एक पैर पर बाघंबर वस्त्र है और दूसरे पर जरी वाली साड़ी। एक हाथ में डमरू स्थित है और दूसरे में वीणा, भारी वीणा। दोनों नेत्रों में भाव भी अलग हैं। एक में विष का वेग और दूसरे में जीवनदायिनी शक्ति। शीर्ष पर शीतलता और सुखदायिनी पावन गंगधारा शोभायमान है। माथे पर आड़ा तिलक विराजमान है। ऐसे चारों मोहक रूप को पर लेखक अपने आप को निछावर करते हैं, अर्थात निरखते नहीं थकते। यह सुंदर मनोहारी कल्पना शिव और शक्ति में एक विशेष तालमेल दर्शाने के लिए होगी। नर और नारी में समानता सर्वसम्मत है और एक के गुण और अवगुण दूसरे में विपरीत नहीं हो सकते। तात्पर्य यह है कि यदि नर में नारी के गुण हों तो नर की गरिमा कम नहीं होती। आइए दूसरा अनुच्छेद देखते हैं। धन्यवाद।